दृढ़ निश्चयी विक्रम ने फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर स्मशान की ओर चल पड़े। बेताल फिर से सोचने लगा कि विक्रम की चुप्पी को कैसे तोड़ा जाए। आखिरकार उसने फिर विक्रम को एक कहानी सुनाने का फैसला किया और विक्रम से कहने लगा, ए राजन, आप इतने चुप क्यों हैं? आप जानते हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मेरी संगत में हैं। किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य नहीं मिल सकता, लेकिन आपको तो मेरी कदर ही नहीं। लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं और एक आप हैं कि मुझसे बात ही नहीं करते। खैर, रास्ता लंबा है और ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता, तो मैं आपको अनिल नाम के वैद्य की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना राजा। अनिल शर्मा रायचूर नाम के एक कस्बे में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक दिन मयंक नाम का एक और वैद्य उनसे मिलने उनके दवाखाने में आया और उनसे बोला, जी कहिए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? क्या बीमारी है आपको, बताइए। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दरअसल मैं एक वैद्य हूँ और इस शहर में नया हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम साथ मिलकर एक दवाखाना खोलें, लोगों की सेवा करेंगे और पैसे कमाएंगे। नहीं भैया, मैं अपने इस दवाखाने से बहुत खुश हूँ, मुझे दूसरी झंझट नहीं पालनी। अरे रे रे, आप मेरी बात नहीं समझे। आपका ये दवाखाना काफी छोटा है, दिन भर की मेहनत के बाद भी कुछ कमाई नहीं होती होगी। अगर हम दोनों मिलकर एक बड़ा दवाखाना खोलें तो हमारा काम दुगना हो जाएगा, और काम दुगना हुआ तो आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। और तो और, आसपास के गांव वाले भी हमारे बारे में और बीमारियों को ठीक करने के हमारे हुनर के बारे में जानेंगे। नाम और पैसा दोनों साथ आएंगे। अब बताइए, क्या कहते हैं आप देंगे मेरा साथ? ख्याल तो अच्छा है, चलो ठीक है, हम साथ में मिलकर एक नया दवाखाना अच्छे से शुरू करेंगे। अनिल ने मयंक के प्रस्ताव का स्वीकार किया और दोनों ने एक साथ दवाखाना शुरू किया। बहुत ही कम समय में दोनों आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गए और अच्छी खासी कमाई करने लगे। समय के चलते दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ दिनों के बाद अनिल ने आभा नाम की एक महिला से शादी कर ली, जबकि मयंक अविवाहित था। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मण नाम का एक आदमी अपने बेटे सोम को उसकी गर्दन पर लगी चोट के इलाज के लिए उनके दवाखाने में ले आया। क्या हुआ आपके बेटे को? लगता है उसे काफी दर्द है। उसकी गर्दन पर ये चोट कैसी? क्या हुआ है इसको? मुझे भी नहीं पता वैद्य जी, कल रात को ठीक था, लेकिन मैंने सुबह देखा उसकी गर्दन पर चोट है, तो मैं उसे तुरंत यहाँ ले आया। आप देखिए ना कि इसे क्या हुआ है, जल्दी बताइए क्या हुआ है। अरे रे, जरा इस तरफ मुड़ो। आ बेटा, मैं भी देखूं। अरे इसकी गर्दन पर तो दांतों के निशान हैं और यहाँ पर खून जम गया है, इसीलिए वो चोट जैसा नजर आ रहा है। आपके बेटे को कमजोरी भी है, आज रात इसे यहीं दवाखाने में आराम करने दीजिए और इसे कल आकर आप वापस ले जाइएगा। अगर आपको तकलीफ ना हो तो इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। चोट को देखने के बाद अनिल ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मयंक को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो इस चोट का कारण जानना चाहता था, इसलिए उसने सोम को रात में दवाखाने में रोक लिया और खुद भी वहीं रुक गया ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। रात में वो सोम को लगी चोट के बारे में सोचने लगा। किसने काटा होगा इस मासूम से बच्चे को? निशान भी काफी गहरा है। आह, पर ये किसी जानवर का काम नहीं। अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे आज रात ही इसका कारण पता चल जाएगा। कुछ संदेह होने पर उसने तीर कमान तैयार करके अपने पास रख लिए और फिर क्या होता है वो देखने लगा। मयंक को यकीन था कि आज रात भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। कुछ ही देर में एक पिशाचिनी खिड़की से आई और सोम के पास जाकर उसे काटने लगी। हे, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिशाचिनी ने उसे अनसुना करने की कोशिश की तो उसने पिशाचिनी को निशाना बनाते हुए एक तीर चलाया। तीर तेजी से उसके बाएं हाथ में जाकर लगा। घायल पिशाचिनी फौरन वहां से भाग निकली। सोम को बचाकर मयंक ने राहत की सांस ली। अगले दिन सुबह अनिल दवाखाने पर पहुंचते ही मयंक से मिलने आया। मयंक ने उससे कहा, अरे भाई मयंक, अब वो बच्चा कैसा है, पता चला उसकी चोट के बारे में? क्या हुआ है उसको? हाँ हाँ, मैं जो भी बताऊंगा तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन कल रात को दवाखाने में एक पिशाचिनी इसे काटने आई थी। वो दांतों के निशान उसी के थे। क्या कहा, पिशाचिनी? तुम सच बोल रहे हो क्या? मैंने हमेशा पिशाचिनी के बारे में सुना है लेकिन उसे कभी देखा नहीं। तुमने उसे ठीक से देखा था? बताओ मुझे। समझता हूँ मैं, वो दांतों के निशान किसी मनुष्य या जानवर के नहीं हो सकते। मैं समझ गया था ये काम सिर्फ पिशाचिनी का ही है, और मैंने अनुमान लगाया कि वो आज रात उसका खून चूसने फिर आएगी, और मेरा अनुमान बिल्कुल सही हो गया। मयंक ने पूरी घटना अनिल को विस्तार से सुनाई।
लेकिन उसे मयंक पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ और फिर अनिल ने भी मयंक को एक अजीबोगरीब बात सुनाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, ये बात तो बहुत अजीब है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस घटना से उसका कोई लेना देना तो नहीं। जो घटना आज मेरी पत्नी के साथ हुई, मेरी पत्नी ने मुझे आज सुबह ही बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लगता है हमारी सोच से ज्यादा गंभीर है ये बात। बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें क्या बताया है? आज सुबह जब मैं उठा तो अपनी पत्नी के हाथों पर मैंने खून के धब्बे देखे, और जब मैंने उससे खून के धब्बों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जब वो पानी भरने गई थी तब किसी शिकारी ने तीर चलाया तो उसके हाथ पर लग गया। वो कल पानी भरने गई ही नहीं थी। और अब तुम कह रहे हो कि कल रात में तुमने पिशाचिनी को अपने हाथों से तीर मारा था, कहीं दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी तो नहीं है? बताओ मुझे। क्या भाभी के हाथ में तीर के निशान की चोट थी? अगर हाँ तो उन्हें चोट कौन से हाथ में लगी थी? मैंने गौर से तो नहीं देखा, शायद बायां हाथ घायल था। बायां हाथ? मैंने भी उस पिशाचिनी के बाएं हाथ पर ही तीर मारा था, उसके हाथ में चोट का निशान भी होगा। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिशाचिनी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ही हो? ऐसा हुआ तो बहुत खतरनाक होगा, हमें इसका पता करना ही होगा। मयंक की बात सुनकर अनिल का गुस्सा फूट पड़ा। भले ही उसे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर संदेह तो था, फिर भी उसने समर्थन अपनी पत्नी का ही किया। वो क्या करता, आखिर वो आभा का पति था। वो मयंक को डांटते हुए उससे कहने लगा, ये क्या बकवास है, उसके बाएं हाथ में चोट लगी है तो ये एक संयोग भी तो हो सकता है। देखो तुम पागलों जैसी बातें मत करो। अरे ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जांच कर लो। ऐसा अभिनय करो कि जैसे तुम सो रहे हो और देखो तुम्हारी पत्नी आधी रात को क्या करती है, तब मुझे बताना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ हाँ, आज रात को इसकी जांच मैं जरूर करूंगा और तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा कि तुम्हें कितनी बड़ी गलतफहमी है। उन दोनों ने इस बात पर चर्चा करना बंद कर दिया, लेकिन अनिल का दिमाग कई विचारों और शंकाओं से घिरा हुआ था। वो इस बात को हजम नहीं कर सका कि उसकी पत्नी एक पिशाचिनी हो सकती है। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए मन ही मन एक योजना बनाई और कुछ देर दवा खाने में रुकने के बाद थोड़ी देर से घर गया। कहाँ रह गए थे आप, आ जाने में देर हो गई। मैं कब से खाने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। दवा खाने में था, आज मरीज बहुत थे तो देर हो गई। खैर तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं आई, हाथ दिखाओ अपना मुझे, देखो तुम्हारी चोट कैसी है, मैं दवा लगा दूंगा। अरे ये तो बस यूं ही, चलिए खाना खाते हैं, देर हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी पत्नी को देखकर अनिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया है कि वो पिशाचिनी है। लेकिन अगर ये सच है तो आगे क्या होगा, इस सोच में खोए हुए ही वो सो गए। आधी रात में कुछ आवाजों के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा तो उनकी पत्नी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। वो सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर लेटे रहे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी धीरे धीरे एक पिशाचिनी में बदल गई और उड़कर खिड़की से बाहर निकल गई। वो इस बात से बेहद डर गए। हे भगवान, ये क्या, इसका मतलब मयंक सच बोल रहा था, आभा सच में एक पिशाचिनी है। क्या मैं इतने समय से एक पिशाचिनी के साथ रह रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, आखिर किससे मदद मांगने जाऊँ। ये माजरा अपनी आँखों से देखने के बाद अनिल अत्यधिक सदमे में थे। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी एक पिशाचिनी है। कुछ देर बाद उनकी पत्नी वापस लौट आई। उनकी नींद उड़ गई थी पर वो फिर भी सोने का नाटक करते रहे। उन्होंने देखा कि आभा वापस अपने सामान्य पोशाक में आ गई है, हालांकि उसके होंठ खून से सने हुए थे। वो आकर चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह अनिल ने जाकर अपने दोस्त मयंक को ये पूरी घटना बताई। मयंक, तुमने जो कहा सही था, मेरी पत्नी ही पिशाचिनी है। कल उसने आधी रात को पिशाचिनी का रूप लिया और खिड़की से उड़ गई, और फिर एक घंटे बाद खून से लथपथ लौटी। मुझे अभी यकीन नहीं होता, ये सब एक बुरे सपने के जैसा लग रहा है मुझे। ऐसा ही रहा तो एक दिन मेरी जान को खतरा हो जाएगा, क्या करूं मैं, बताओ मुझे, मेरी मदद करो मयंक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगे आगे, कोई गलत कदम मत उठाना, जो भी करना मुझे बताना। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उसे पता चला कि हम उसके रहस्य को जानते हैं तो वो हमें भी जान से मार देगी। अब तुम ही बताओ कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। ठीक कहा तुमने, अगर उसे पता चला तो वो हमें जान से मार डालेगी। अरे रे, अब बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं कि वो पहले हमें मारे कि उससे पहले हम ही उसे मार देते हैं। हम उसे मारकर हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। क्या, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्या कोई और रास्ता नहीं है, बताओ मुझे। अरे मेरी बात समझो मित्र,
वो तुम्हारी पत्नी नहीं एक रक्त पिशाचनी है। अगर तुम अब भी ये बात नहीं मानते तो भगवान ही तुम्हें बचाए। नहीं मयंक, तुम ठीक कह रहे हो, हम उसे जिंदा नहीं रहने दे सकते, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम जितना हो सके अपने घर से दूर ही रहना, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल कर उस पिशाचनी को मार डालूंगा। सुनो राजन, अनिल के पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी आभा को जान से मारने की अनुमति दी। तब उसने योजना बनाई। दूसरी तरफ मयंक आभा को मारने के लिए उसके घर पहुंच गया और अनिल वहां से पहले ही निकल गया था। उस दिन अनिल घर छोड़कर निकल तो गया, पर अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा, हे भगवान, ये जो हुआ उस मयंक की वजह से ही हुआ है, उसने ही इस रहस्य का पर्दाफाश किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी सारा जीवन बिताता। जरूर वो इसी मकसद से मेरा साझेदार बनकर आया था। अगर वो मयंक मेरे जीवन में ना आया होता तो अच्छा होता। मैंने इस आदमी के कारण अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी खो दी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई मेरी मदद भी नहीं करता। आखिर मैं किससे अपनी मदद के लिए भीख मांगू जाके जो मेरी मदद करे। ये विचार आने पर अनिल को अपने मित्र मयंक से नफरत होने लगी और उसने अपने संसार को उजाड़ने के लिए जिम्मेदार मयंक को सबक सिखाने का फैसला किया और कहीं और ना जाते हुए वो सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया से मिलकर वो उनसे विनती करने लगा। अरे रे मुखिया जी, मेरा साथी और मेरा दोस्त मयंक मेरी पत्नी को मारने की साजिश रच रहा है, मेरी मदद करिए। क्या कहा, वो तो तुम्हारा दोस्त है, तुम दोनों इस गांव में सबसे प्रतिष्ठित वैद्य हो, भला वो तुम्हारी पत्नी को क्यों मारेगा? मुखिया जी, उसे मेरी पत्नी से प्यार हो गया था, लेकिन जब मेरी पत्नी नहीं मानी तो उसने उसे मारने की योजना बनाई। अब उसे वो मारने जा रहा है, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दो सिपाही भेजता हूँ, वो तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा करेंगे। अनिल सैनिकों को लेकर जब अपने घर पहुंचा, तब आभा को मारने के बाद मयंक घर से बाहर निकल रहा था। आभा को मारकर वो बेहद राहत महसूस कर रहा था कि अनिल वहाँ सैनिकों को लेकर आ रहा है। सैनिकों ने फौरन मयंक को पकड़ लिया और मयंक को ये जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पकड़े जाने के पीछे उसके दोस्त अनिल का हाथ था। ये क्या किया दोस्त, मैंने तुम्हें तुम्हारी पिशाचनी पत्नी से मुक्ति दिलाई और बदले में तुम मुझे ही कारागार भेज रहे हो, ये कैसी दोस्ती है? पत्नी से छुटकारा पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अब मुझसे छुटकारा पाने के लिए सैनिकों का इस्तेमाल किया। अरे तुम बहुत चालाक हो, पर मैं भी कम नहीं, तुम मुझे नहीं पहचानते। मयंक फौरन पिशाच में बदल गया और वो सैनिक की कैद से आसमान में ही गायब हो गया। क्या हुआ अनिल को समझ नहीं आया और सदमे में वो आसमान की ओर देखता रहा। तो बताइए राजन, कैसी लगी ये कहानी? राजा बोल दो कैसी है कहानी, और साथ ही ये बताइए कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को धोखा दिया, लेकिन ज्यादा बड़ा धोखेबाज कौन था? अगर पता होने के बाद भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो तो आपके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे राजन। मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता हूँ। माना कि दोनों दोस्त धोखेबाज थे, लेकिन दोनों में काफी अंतर था। मयंक ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो दोस्त के रूप में अंदर से पिशाच है, पर साथ मिलकर लोगों का इलाज करते समय मयंक को धोखा नहीं दिया। इसके विपरीत अनिल को अपनी पत्नी के बारे में पता चलने के बाद भी उसने इसका खुलासा मयंक के सामने नहीं किया। फिर मयंक को अपनी पत्नी को मारने के लिए उकसाया। उसने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त के खिलाफ साजिश रची। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि अनिल सबसे बड़ा धोखेबाज था। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ ना? दोस्ती में संगत का बहुत असर होता है। दोस्त दो भले होते हैं, लेकिन उनकी सोच एकदम अलग होती है। अगर दोनों की सोच समान होने लग जाए तो दोस्ती में कभी दरार नहीं आ सकती है, ना वो कभी स्वार्थ के लिए दोस्ती होगी। बताओ अनिल और मयंक के जैसा दोस्त और कौन है जो अपनी ही दोस्ती में इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रचता है? शाबाश विक्रम, शाबाश, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन आप एक बात भूल गए हैं, जैसे ही आपने मेरे सवालों का जवाब दिया आपने अपनी चुप्पी तोड़ी और इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वेताल वापस उड़ गया और पेड़ पर लटक कर फिर से विक्रम की प्रतीक्षा करने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे नए स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।